हेलो फ्रेंड्स, मैं रश्मि आप सभी को ड्रीम फूड एंड केयर में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम चार अलग अलग डिजाइन्स के नीमकी बनाने वाले हैं। आप सोच रहे होंगे इस रेसिपी में खास क्या है, तो इस वीडियो पूरा देखने के बाद आपकी नीमकी हमेशा कुरकुरा बनेगी और बहुत ही सुंदर डिजाइन के नीमकी आसानी से किसी भी त्योहार पे आप बना पाओगे। तो चलिए शानदार डिजाइन्स के खासता नीमकी बनाना शुरू करते हैं। नीमकी के लिए मेन है उसका आटा लगाना, इसलिए एक बड़ा थाली लिया है मैंने। अब 2 कप मैदा लेंगे। मैं टोटल 300 ग्राम मैदा ले रही हूँ। आप घर के कोई भी मीडियम साइज के कप से मेजरमेंट कर लीजिए। आटे से नीमकी बनाओगे तो भी सारे इंग्रेडिएंट्स के क्वांटिटी सेम ही रहेगी। अब 1/4 चम्मच कलौंजी लेंगे और 1/2 चम्मच अजवाइन लेंगे। अजवाइन से पेट में गैस नहीं बनेगा, ये पेट को ठंडा रखेगा। 1/2 चम्मच नमक लेंगे, नमक स्वाद अनुसार लीजिए आप। अब सारे इंग्रेडिएंट्स एक बार मिला लेते हैं। अब मेन जो है वो तेल का क्वांटिटी कितना लेना होगा, तो ध्यान से देख लीजिए। मैंने यहाँ 40 ml तेल लिया है टोटल। देखिए जितना मैदा लेंगे उसके 8 भाग का 1 भाग हमें तेल लेना होगा। तो हमने 300 ग्राम मैदा ली थी तो 40 ग्राम तेल लेंगे। 1 कप मैदा लोगे तो उसका 8 भाग का 1 भाग तेल लेना है आपको, है ना, बिल्कुल आसान हिसाब। अब मोइन लगा लेंगे, बहुत ही अच्छे से मसल मसल कर सारे मैदे को चिकना कर लेंगे। इतना मसलेंगे कि सिर्फ तेल से ही मैदे में एक टाइटनेस आ जाए। सारे स्टेप आप अच्छे से फॉलो कीजिए तो आप भी दुकान जैसा खास्ता नीमकी बना पाओगे। देख सकते हो कैसे मुट्ठी बन रही है और ऐसे प्रेस करते वापस टूट रहा है, परफेक्ट है बिल्कुल। अब पानी मिलाएंगे, पानी हमें 60 ml मिलाना है। एक टाइट डो बनाएंगे, जितना मैदा लेंगे उसके 4 भाग का 1 भाग से थोड़ा कम पानी मिलाना हमें। आपको क्वांटिटी समझने में परेशानी हो रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। अब धीरे धीरे गूंथना है, स्ट्रेच कर करके पानी मिलाएंगे। मैदे को स्ट्रेच करना जरूरी है, करीबन 10 मिनट तक इसे हमें गूंथना होगा। कुछ अच्छा खाने के लिए थोड़ा टाइम तो देना ही पड़ेगा। देखिए कितना सुंदर डो बनके तैयार है। अब 1 चम्मच तेल डो के ऊपर लगा देंगे ताकि ये ड्राई ना हो जाए। अब एक गीला कपड़ा लिया है मैंने, इसे ढक देना है और 30 मिनट के लिए इसे रेस्ट कराएंगे। रेस्ट कराना जरूरी है, इससे नीमकी बढ़िया बन के आएगी। लीजिए 30 मिनट हो चुका। अब डो को 3 इक्वल पार्ट में भाग कर लेंगे। अलग अलग डिजाइन्स के बना रहे हैं हम, इसीलिए बाकी 2 पार्ट को फिर से गीला कपड़े से ढक देंगे, वरना वो ड्राई होने लगेगा। देखिए एक गोली को पतला बेल लिया है, इसे कितना ही पतला बेल सकते हो क्योंकि मैदा स्ट्रेच होके थोड़ा मोटा हो ही जाता है। ध्यान से देख लीजिए, पतला बेल लिया है मैंने। अब कटर से एक रेक्टेंगल शेप में काट लेंगे इसे। बाकी हिस्सा फेंकना नहीं है, उसे भी नीमकी बनाएंगे। अब नीचे के साइड में मैदा लगा लेंगे ताकि वो नीचे चिपक ना जाए। फिर बीच में ऐसे लाइन लाइन बनाते जाएंगे। ऊपर और नीचे थोड़ा थोड़ा गैपिंग रखना है, वरना शेप खराब हो जाएगा। ये हम एलोझेलो नीमकी बना रहे हैं, बंगाल स्पेशल नीमकी है, बहुत आसान है, आप ध्यान से देखना। अब ऊपर और नीचे पानी लगा लेंगे, हमें इसे चिपकाना होगा, बिल्कुल बराबर चिपकाएंगे। उंगलियों से दबा देंगे थोड़ा ताकि ये छूट ना जाए। अब ऊपर नीचे फिर से पानी लगाएंगे और फिर से एक के ऊपर एक चिपका देंगे। अब देख सकते हो 2 बार फोल्ड किया हमने इसे। अब अच्छे से दबाकर चिपका देंगे।
अब क्या करना है, बीच में थोड़ा गैपिंग बना लेंगे और एक साइड को एक कोना बना देंगे, देख सकते हो। अब उस कोने को बीच में से उल्टे साइड में निकाल लेंगे और दूसरे साइड में भी कोना बनाएंगे, अच्छे से चिपका देंगे वरना ये तेल में जाते ही खुल सकता है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना, बिल्कुल आसान तरीका, करने जाओगे तो बहुत आसान लगेगा। अब फिर से गोले को पतला बेल लिया है, एक डब्बे के ढक्कन से गोला बनाएंगे। आप कटोरी से भी बना सकते हो, मीडियम साइज का कटोरी लेना आप। अब बीच में छोटा एक ढक्कन से हल्का निशान लगाना है, ज्यादा प्रेस मत करना वरना ये कट जाएगा। अब चाकू से 6 कट लगाएंगे, बराबर कट लगाना हमें। अब एक टूथपिक लिया है, इससे हल्का हल्का दाग लगाना है हर एक पार्ट पे। ये हम फ्लावर नेम की बना रहे हैं तो पपड़े के डिजाइन देंगे टूथपिक से। अब हल्के हाथों से पपड़ी बना लेंगे, बिल्कुल एक फ्लावर की तरह। आप देख सकते हो कितना सुंदर बनाया है। अब फिर से पतला बेल लिया है, कटोरी से गोल पार्ट निकाल लेंगे। ऊपर हल्का घी लगाना होगा, आप डालडा भी लगा सकते हो। फिर हल्का मैदा ग्रीस करेंगे, घी और मैदे को एक साथ मिला लेंगे, एक फोल्ड करेंगे, फिर से घी और मैदा लगा लेंगे। ये हम लेयर्ड निमकी बना रहे हैं, मतलब पतला पर्दों वाली निमकी। लास्ट में हल्का बेलेंगे, आप उंगलियों से भी ये चपटा कर सकते हो। ये एक और डिजाइन रेडी है। फिर से एक रेक्टेंगुलर शेप बना लिया है। ऊपर थोड़ी सी घी लगा लेंगे, फिर मैदा ग्रीस करके एक फोल्ड करेंगे, बॉर्डर पे पानी लगा लेंगे ताकि यह चिपका रहे। फिर से वो है घी और मैदा डालना, फिर एक और फोल्ड करेंगे, पानी लगा लेंगे बॉर्डर पे, फिर एक और फोल्ड। अब बेलेंगे और पतले पतले पीसेस में काट लेंगे। कटी हुई पीसेस को बेलेंगे फिर से, आप ना भी बेलो तो भी चलेगा। एक और डिजाइन रेडी हो गया। अब लास्ट में ये जो भाई साहब बच गए, इनका क्या करें, फेंकना तो बिल्कुल नहीं, इनसे एक और पर्दों वाले निमकी बना लेते हैं। वाओ, देखिए सारे डिजाइन वाले निमकी बनके तैयार है। अब इन्हें फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए तेल गरम कर ली है, एक छोटा सा टुकड़ा डाल के चेक कर लिया है पहले। अगर टुकड़ा नीचे जाके फिर 2 सेकंड में वापस ऊपर आ रहा है, मतलब तेल परफेक्ट गरम है। तेल ज्यादा गरम होगा तो निमकी बाहर से ब्राउन हो जाएगा और अंदर कच्चा रह जाएगा। अब एलो झेलो निमकी फ्राई कर लेंगे। मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रही हूँ, मतलब आपके निमकी भी इतने स्पीड से फ्राई नहीं होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सबर कीजिएगा। दोनों साइड से उलट पलट देना होगा, फ्लेम बिल्कुल मीडियम रहेगा। देखिए ऐसे गोल्डन ब्राउन होने लगते इसे निकाल लेना होगा। अब बाकी सारे निमकी ऐसे फ्राई कर लेंगे, इसी ट्रिक से बाकी सारे फ्राई कर लेंगे। निमकी को नमक पारे कहा जाता है,
निमकिन या नमकिन भी कहा जाता है। ये मीठा भी बनता है, ये नमकिन भी बनता है। ये एक टी टाइम स्नैक की तरह इंडिया में खाया जाता है, बहुत ही टेस्टी। और अलग अलग जगहों में अलग अलग डिजाइन के निमकी बनते हैं। त्योहार पे ये तो एक जरूरी आइटम की तरह हर घर में बनाया जाता है। बहुतों का कहना है कि निमकी रबड़ी लगता है और हार्ड बन जाता है, लेकिन आप इस टेक्निक से बनाओगे तो देखना आपके नमक पारे कैसे कुरकुरा बनेगा। निमकी को चाशनी में डाल के भी खाया जाता है। एक तार वाली चाशनी बनाने की जरूरत नहीं, बस चाशनी चिपचिपा हो जाए तब उसे गैस से निकाल लीजिए और निमकी डाल के 10 मिनट बाद निकाल लीजिए निमकी को। एक बार ऐसे बनाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। देखिए सारे नमक पारे मतलब निमकी बनके तैयार है। कितना कुरकुरा बना है आप देख सकते हो। अंदर भी बिल्कुल कच्चा नहीं है और बहुत ही खास्ता बना है। इसे ठंडा करके आप एयरटाइट कंटेनर में भर के रख सकते हो। बाजार वाले निमकी किस तेल में फ्राई होता है वो किसे पता। तो आप ऐसा ही टेस्टी स्नैक घर पे बनाइए और लंबे टाइम इसे एंजॉय कर सकते हो। तो आज इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़े रहे और मुझे बहुत सपोर्ट करें। थैंक यू, बाय बाय।